तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घर में। तो आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। बैठे बैठे मैंने सोचा एक व्लॉग शूट ही कर लूँ, तो थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया है। और अभी हमारे व्लॉग में न्यू कंटेंट मिलेगा आपको, और वो है छोटी छोटी। तो अभी आप लोगों को ना सबको एक न्यू कंटेंट मिलेगा हमारे व्लॉग्स में, और वो है ये छोटी छोटी छोटी। तो इसका नाम है अफीफा। अफीफा अफीफा बराबर देखती है किधर कुछ मूव हो रहा है, क्या हो रहा है। और आपको शेडोज से लग रहा होगा, मतलब न्यू मैंने सेल्फी स्टिक लिया है और इसी से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बताना जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी है या नहीं। पहले ना बहुत ज़्यादा ही पूरा मतलब ये हो जाता था, तो अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से कम होगा, इसलिए मैंने वो सोच कर लिया है। बट पता नहीं क्या होगा, जो भी हो। तो इसका जो सेल्फी स्टिक है ना, इस सेल्फी स्टिक की भी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये न्यू सेल्फी स्टिक है और इसका भी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। और ये सिर्फ सेल्फी स्टिक नहीं, सेल्फी स्टिक कम ट्राईपॉड भी है, मतलब ट्राईपॉड भी निकलेगा इसी सेल्फी स्टिक में। तो इसलिए मैंने ये वाला बाय किया है कि कहीं आना जाना हुआ तो ये वाला बहुत काम में आ जाएगा, एज अ सेल्फी स्टिक, एज अ ट्राईपॉड। ट्राईपॉड में तो उतना कुछ खास है नहीं, बहुत ही मतलब ओके ओकेज है, बट सेल्फी स्टिक बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है ये, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ ना तो मुझे पता है। तो ट्राईपॉड तो ठीक ही है, उतना कुछ खास नहीं है, मतलब वजन अगर मैं ट्राईपॉड को डालूंगी तो वो नहीं टिकेगा। ऑफ कोर्स सेल्फी स्टिक है और इसकी प्राइस भी उतनी कुछ ज़्यादा है नहीं, 250 में मुझे दो पड़े। और किस तरह पड़े, क्या पड़े है, अगर ये सब आपको जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, तो मैं बताऊंगी कि मुझे 250 में दो प्रोडक्ट, दो सेम सेल्फी स्टिक कैसे क्या मिले। तो आप लोगों को कमेंट करना है, फिर ही मैं बताऊंगी कि मुझे कौन से ऐप में और किस तरह से ये दो मिले हैं एक के प्राइस में। क्योंकि ना बाकी जो जितने भी साइट्स थे ना, मैं वहां पर भी मतलब बहुत सर्च किया था, तो उसमें ना 300 में एक पीस बता रहा था बस, क्योंकि इसमें लाइट भी है। तो सेम वाली जो है ना, वो 300, 350, 400 आगे भी है, मतलब ऐसे। तो उसमें सिर्फ एक पीस था, तो मुझे सेम प्रोडक्ट लाइट्स के साथ सिर्फ 250 में दो मिला है, कम प्राइस भी और क्वांटिटी भी ज़्यादा। तो इसकी लाइट भी ऑन करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका कैसा लगेगा। वैसे तो अभी लाइट ऑन ही है, तो उतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं मेरे ख्याल से, बट फिर भी चालू करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इधर है इसका बटन। अच्छा, ये ना ये ऑफ वाला है, मतलब इसकी ना चार्जिंग खत्म हो गई। हम लोग ने इसको ना यूज़ कर करके ना इतना यूज़ किया है कि इसकी चार्जिंग खत्म हो गई। इसकी सेम टू सेम एक और है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो जल्दी आने वाली है, ये आ चुकी होगी। तो ये रहा ये सेल्फी स्टिक जो अभी मैंने पकड़ा हुआ है ना, सेम दो मैंने जैसे बताया कि मुझे दो रिसीव हुए हैं। तो ये है ये सेल्फी स्टिक, यहाँ पर ना इसका ये वाला बटन है, देख सकते हो आप लोग। ये बटन ऑन करने से लाइट्स ऑन हो जाएगी, जैसे कि मतलब अगर अंधेरा होगा तो। टू टू मोड्स है इसके, एक नॉर्मल है, एक हाई है, ये हाई पावर वाला है, और ये ऑफ होगा। सेल्फी स्टिक इसका कम ट्राईपॉड भी है। तो इसका रिव्यू, सॉरी रिव्यू नहीं, अनबॉक्सिंग है, क्योंकि ये तो रिव्यू वीडियो होगा, अनबॉक्सिंग वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मैं लाइट्स ऑफ करके आपको इसका रिव्यू देती हूँ। तो हो गया लाइट ऑफ, ये है फर्स्ट, सेकेंड एंड ऑफ। ऐसे मैं बता दूँ तो इस तरह से होगा ये, ऐसा मैं पकड़ूंगी। तो ये फर्स्ट लाइट है, ये सेकेंड लाइट है, जो कि बहुत ही अच्छी है। अगर लाइट वाइट अचानक से चली जाए या कुछ हो जाए या बाहर में हूँ तो ये लाइट बहुत ही काम आ जाएगी। तो इस तरह से, और फिर इसका ना बहुत ही अच्छा आपको यूज़ होगा। जैसे कि आप अगर बिगनर हो ना, तो ये वाली सेल्फी स्टिक इज़ अ मस्ट है। कितने टाइम से मैंने इसको ना सोच के रखा हुआ था कि मैं इसको बाय करूंगी बाय करूंगी, बट हो ही नहीं पा रहा था। तो लाइट वगैरह अचानक से चली जाए ना, तो ये वाला बहुत ही काम में आता है। और ऐसे ही अगर आप बाहर हो, अंधेरा है, तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा आपके। आप लोग इसको ज़रूर बाय करना। दो प्रोडक्ट मुझे मिले हैं सिर्फ 250 में। अगर आपको इसका सारा कुछ डिटेल्स जानना है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट करोगे तो ही मैं बताऊंगी, वरना मैं नहीं बताऊंगी। और बताना आप लोग फिर ये रिव्यू कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। और इसका भी मैं बता दूं तो इसको ना ऐसे थोड़ा सा प्रेस करोगे ना तो ये खुल जाएगा, ऐसे ऐसे फिंगर इसमें ना ऐसा है, ऐसे इंसर्ट कर दोगे तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा।
ये इस तरह से ये ट्राइपॉड है, तो सिर्फ अगर इस पोजीशन में रखूंगी तो ये मोबाइल होल्ड कर लेगा, अगर इस सेल्फी स्टिक को मैंने ओपन किया ना तो ये नहीं होल्ड कर, तो ये नहीं होल्ड कर पाएगा, क्योंकि फिर ना उतना ज़्यादा हैवी नहीं है ये कि ये होल्ड कर पाए। नॉर्मल सा ही है, लाइट वेट है, इजी टू कैरी है, पॉकेट फ्रेंडली है, आप पॉकेट में भी रखकर इसको निकल सकते हो, उतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा है, आप लोग देख सकते हो एक हाथ जितना ही है, तो आराम से इसको ना आप लेकर कहीं भी घूम सकते हो। तो अगर आप एक यूट्यूबर बिगनर हो जैसे मेरी तरह, मैं भी बिगनर ही हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये सेल्फी स्टिक। और ट्राइपॉड भी मेरे पास ना बहुत ही कम प्राइस वाला ही है, 350 में मैंने उसको बाई किया था, अब तो उसका प्राइस भी इतना ज़्यादा कम हो गया है ना, बहुत ही कम हो गया है। तो आपको ट्राइपॉड का भी अगर लिंक वगैरह चाहिए तो कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये इतनी ज़्यादा सुसू सुसू करती है, बस इसको चेंज करते रह जाना पड़ता है। हाँ हाँ कौन है वो, कौन है मेरी बेटी आवाज दे रही, बोलो मायरा, बोल बोल बेटे, सुपरमैन सुपरमैन सुपर वुमैन, हंग ओ बोल, मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, क्या वेट कर रहे हो, क्या देख रहे हो मम्मा को, तुझे दिखाऊं, इसने ना इतना खेला, इतना खेला है ना, इतनी गंदी हालत में ये लड़की, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को, यहाँ पर देखना आप लोग, इतनी गंदी अवतार में है ना, बाहर रोड पर जाकर खेली है ये लड़की ने, और बच्चे तो इतने गंदे होते ही है, कोई ये अलग से ऊपर से नहीं है कि इतनी गंदी है, बच्चे हमेशा ही गंदे हो जाते हैं, थोड़ा सा भी अगर खेल लेना तो गंदे हो जाते हैं। तो सलाम कर, अस्सलाम वालेकुम बोल, नहीं मुंह से बोल, अभी बड़ी हो गई तो बोल, अस्सलाम वालेकुम बोल, कैसे है आप सब बोल। चलिए तब तक के लिए फिर अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ कुछ देर में।